पर नए हैं तो देखिए सब्सक्राइब पर लाल बटन है, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नई वीडियो की सूचना मिलती रहे। यस बैंक, आज उस बैंक के बारे में बात करेंगे क्योंकि काफ़ी गिरावट है आज, तो बहुत ज़बरदस्त भयानक गिरावट है। लेकिन पहले मैं कल की एक न्यूज़ पढ़ दूँ कि कल भी 3% के आसपास ज़्यादा गिरावट थी। यस बैंक फॉल्स 3% आफ्टर अनदर बोर्ड मेंबर रिजाइंस। तो यहाँ पे देखिए दो नाम हैं जिन्होंने बोर्ड मेंबर से रिज़ाइन किया है, अ डे आफ्टर द रिजिग्नेशन ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अजय कुमार, नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मुकेश सबरवाल ऑल्सो स्टेप डाउन फ्रॉम द बैंक्स बोर्ड ऑन June 11th। तो एक खबर थी कि राणा कपूर जो इसके पूर्व CEO MD थे वो चाहते थे कि हमें बोर्ड में फिर से शामिल किया जाए एज अ डायरेक्टर और हमें कंपनसेशन भी दिया जाए जो उनका नुकसान हुआ है। और उस मांग के तहत कुछ लोगों को बात ठीक नहीं लगी और इस वजह से दो लोगों ने बोर्ड के मेंबर से रिजिग्नेशन दिया। तो मैनेजमेंट की न्यूज़ की वजह से इस स्टॉक में भारी गिरावट आई। लेकिन आज वर्तमान समय क्या चल रहा, आज ज़बरदस्त गिरावट है। और चलिए मैं NSE की साइड पर चलता हूँ। एज ऑन June 13, 2019 11:43 हैं और 119 रुपये के भाव पे ट्रेड कर रहा, 15.50 रुपये की डाउन साइड है और 11.50% की डाउन साइड है। ओपन हुआ था 130 पे, हाई भी गया था 130, लेकिन लो बनाया था 117 का और अभी 119 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम ट्रेडेड क्वांटिटी की जो स्थिति है वो देख लें तो सेलिंग क्वांटिटी 1,94,00,000 के आसपास है और वहीं पे देखिए बाइंग क्वांटिटी में सिर्फ अभी 38 लाख है। तो ज़बरदस्त बिकवाली इसमें हो रही है और ट्रेडेड वॉल्यूम भी 9,62,00,000 के आसपास है। तो ये कारण रहा मैनेजमेंट को लेके इस पर ज़बरदस्त, कई महीनों से इस बैंक पे मैनेजमेंट कई बार चेंज हो चुके हैं, 4-5 लोगों ने रिजिग्नेशन दिया है और वर्तमान जो इसके रवनीत गिल साहब ने उन्होंने इसको संभालने की कितनी बार भी कोशिश करते हैं और इनके फाइनेंशियल भी जो लास्ट आए थे Q4 के उसमें भी ज़बरदस्त इन्होंने लॉस दिखाया था 1,500 करोड़ के आसपास का। और जो अभी रिटर्न रह गए, मतलब ऐसी गिरावट के बाद जो रिटर्न आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं वो मैं बता देता हूँ कि 10 सालों में जिनका पैसा लगा था उनको सिर्फ 350% के आसपास के रिटर्न दिख रहे हैं, 5 सालों में जिन्होंने पैसा लगाया था उनको 12-12.5% के आसपास के रिटर्न हैं और 4 सालों से 3 सालों से 2 सालों से 1 सालों से इन्होंने पैसे लगाए हैं, या ये टिल डेट या 6 मंथ या 3 मंथ या 1 मंथ या 1 वीक या 1 डे लगातार उनको लॉस ही रेड के निशान पे, यानी उनका पैसा काफ़ी लॉस पे है। तो रिटर्न अब बेहतरीन नहीं रह गए हैं। अब क्या ये स्टॉक 119 के भाव पे जो आज ट्रेड कर रहा है सारे बैरियर तोड़ देता है, चाहे आप टेक्निकल चार्ट सपोर्ट में आप देख लें, चाहे फंडामेंटल्स देख लें, मतलब कोई भी न्यूज़ आती है और मैनेजमेंट को लेके तो काफ़ी इसमें उठा पटक चल रही है। इस वजह से इस पर बहुत बुरी हालत है। बैंक ज़बरदस्त है, अच्छी है और बहुत अच्छे रिटर्न भी पहले दिए थे, 1 साल से इसमें काफ़ी गिरावट है। और चलिए हम शेयर होल्डिंग में अभी देखते हैं। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखिए प्रमोटर्स जो हैं ऑफकोर्स राणा कपूर एंड मधु कपूर, तो उनके पास होल्डिंग है 19.8%, थोड़ी सी घटाई भी है, गिरवी भी रखे हुए हैं प्रमोटर्स ने अपने शेयर 3.64% के आसपास के। और हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में लाइफ इंश्योरेंस कॉर्प LIC भी लगी हुई है ज़बरदस्त। और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं 625 हैं, 40% की ज़बरदस्त होल्डिंग है इनकी क्योंकि इनको पता है कि बैंक बढ़ाया है और ये नीचे के लेवल पे काफ़ी ज़बरदस्त बाइंग देखिए इंक्रीज़ की उन्होंने 4.18% की इन्होंने इंक्रीज़ भी की हुई है अपनी होल्डिंग इस क्वार्टर में। तो अब ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, जो रिटेल निवेशक हैं जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनको समझ बूझ के यही करना चाहिए कि भाई थोड़ा थोड़ा लेते रहें। इसलिए जो लोग SIP कर रहे हैं वो लोग ठीक हैं और आपको और गिरावट मिलती है, अब तो मुझे लगता है 100 रुपये भी नहीं कहीं चला जाए। तो अगर नीचे के लेवल पे और मिलता है तो और भी ख़रीदें, लेकिन थोड़ा थोड़ा ही ख़रीदें, आप पूरा पैसा इसमें ना डालें, यही मैं कह सकता हूँ और कुछ नहीं। बाकी ये स्थिति थी आज, मैंने कहा चलो आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ। और अभी कहाँ तक ये लो जाता है ये भी देखना पड़ेगा क्योंकि अभी लो बना ही दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों, अपडेट करता रहूँगा कुछ और नया आता है तो।